आप जानते हैं कि फिल्म बाजीगर के लिए दो क्लाइमेक्स सीन्स शूट किए गए थे और किस वजह से, आइए मैं आपको बताती हूँ पूरी बात इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले नमस्कार, मैं हूँ ज्योति पाठक और आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई। जी हाँ, शाहरुख खान की फिल्म बाजीगर की अगर हम बात करें तो एक ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। शाहरुख खान की परफॉर्मेंस इस फिल्म के अंदर आउटस्टैंडिंग होती है, साथ ही साथ जोड़ी यानी कि काजोल और शाहरुख खान की जोड़ी को साथ में देखना एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। चलिए आखिर बात करते हैं कि क्यों दो क्लाइमेक्स सीन्स को शूट किया गया था। आखिरकार जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर होते हैं शाहरुख खान के माँ के किरदार के लिए राखी गुलजार, जी हाँ वेटरन एक्ट्रेस राखी गुलजार को वो परफेक्ट मानते हैं इस रोल के लिए, और जब रोल उनको ऑफर किया जाता है तो वो तुरंत हाँ कह देती हैं। लेकिन जो इस फिल्म के डायरेक्टर होते हैं अब्बास मस्तान, कहीं ना कहीं राखी गुलजार जी उन्हें कहती है कि फिल्म का जो क्लाइमेक्स है वो ऐसा नहीं होना चाहिए जिस तरीके का होता है। हम सब जानते हैं कि आखिर में शाहरुख खान का कैरेक्टर किस तरीके से मर जाता है, तो वो चाहती है कि इसमें चेंज किया जाए। जी हाँ, क्लाइमेक्स को चेंज किया जाए क्योंकि जो लोग हैं कहीं ना कहीं अपने हीरो को एंड में मरते हुए नहीं देखना चाहते हैं। जी हाँ, वो चाहते हैं कि एक बोलते हैं ना एक अच्छे नोट पे एंडिंग हो, फिल्म का क्लाइमेक्स हो। तो वो कहती है कि हमें ऐसा करना चाहिए कि पुलिस बाद में लेके चली जाती है, अरेस्ट करके लेके जाती है हीरो को, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो अब्बास मस्तान कहीं ना कहीं कन्विंस नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी दो क्लाइमेक्स सीन शूट किए जाते हैं। लेकिन जो फर्स्ट कॉपी आती है फिल्म की, तो जो फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, इनफैक्ट राखी गुलजार जी भी जब इस फिल्म को देखती हैं, इस फिल्म के क्लाइमेक्स को देखती हैं, तो वो कन्विंस हो जाती हैं और उन्हें लगता है कि जो ड्यूओ होते हैं डायरेक्टर ड्यूओ अब्बास मस्तान, उनका नहीं होता है क्लाइमेक्स को लेकर जिस तरीके से शाहरुख खान का जो कैरेक्टर होता है उसकी डेथ हो जाती है। तो मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि कौन सा क्लाइमेक्स आपको पसंद है, जो ओरिजिनल जो फिल्म में आपने देखा वो, या फिर अरेस्ट करके लेके जाती पुलिस हीरो को, ऐसा कुछ मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। और देखते रहिए बॉलीवुड स्पाई ऐसे ही डिड यू नो इन्फॉर्मेशन।